आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू ने कहा कि बिहार की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। लालू से इस पूरे मुद्दे पर बात की मेरे सहयोगी राकेश ने। जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर सैनिकों के पार्थिव शरीर पहुंचे तो उस समय बिहार सरकार के कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं। हमारे साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। कारगिल युद्ध में याद होगा देश को कि बिहार रेजिमेंट के हमारे बहादुर जमाबंदों ने शहादत सबसे पहले दिया था और 10-10 लाख रुपया राज्य के खजाना से और कंधा लगाता था मैं हवाई अड्डा में जाके और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार में बिहारियों से धन संग्रह करके सेना भवन में जमा किया। हमारे चार जमाबंद सैनिक भारत मां की रक्षा में शहादत दे दिया लोगों ने। दो तो हमारे जिला सारण जिला के हैं और दो हमारे एक अनाइट के गांव के और फिर ये आनंदपुर गांव है बेटा के पास। विजय राय के पत्नी से टेलीफोन से भी हमने बात किया, सद्भावना दिया, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और विजय के छोटा बच्चा बोध बच्चा से भी हमने बात किया। लेकिन हमने ये सुना कि बिहार सरकार का मुखिया दिल्ली में और एक भी आदमी नुमाइंदा भी आदमी वहाँ कोई भी आदमी नहीं गया फूल माला चढ़ाने, वो तो घाट की बात तो दूर रही। ये बहुत बुरा है, हमारी एकता और एकजुटता होनी चाहिए। हमारे देश भर के सैनिक वाच करते हैं कि हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं ये सब काम। सरकार की संवेदनहीनता है जी, बहुत संवेदनहीनता है उसके। तो ये थे लालू प्रसाद यादव जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार के नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा उसको लेकर उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।